हाउ टू मेक अ गेम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोगों को मेरे हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी कोई नया व्यूअर चैनल को विजिट करता है वो भी सेम ही क्वेश्चन पूछता है। क्या तुम भी नए व्यूअर हो? अगर हो तो सुन बे, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, मैं तो उड़ा दूंगा। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि तुम लोग खुद से गेम कैसे बना सकते हो, एंड तुम लोग का जो भी डाउट है गेम मेकिंग से रिलेटेड वो सब भी क्लियर करूंगा। लाइक ये मोबाइल में गेम बना सकते है क्या, गेम बनाने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिना कोडिंग किए कैसे गेम बना सकते हो, गेम बनाने में पैसे लगते है क्या, एंड और भी सारी चीजें है। बट ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर तुमने एक भी चीज मिस की तो बाद में आके बोलोगे भाई मैंने इस गेम के लिए स्क्रिप्ट तो बना दी है पर इसे डालू कहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ गूगल है। शेबड़ा। ओके, लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक अ गेम। सो गेम बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए होगा एक गेम इंजिन, जहाँ हम गेम बनाते हैं ऑब्वियसली। एंड मार्केट में तुमको बहुत सारे गेम इंजिन मिल जाएंगे जहाँ तुम गेम बना सकते हो, बट मैं वो सारे इंजिन कवर नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो सारे इंजिन है कौन से, तो मैं सिर्फ वो इंजिन बताऊंगा जो मैं पर्सनली जानता हूँ, एंड इन सबको कंपेयर करके ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट इंजिन कौन सा होगा, क्योंकि तुम में से बहुत लोग बिना कोडिंग किए गेम बनाना चाहते हो। यू बैक बेंचर। तो जिन इंजिन को मैं जानता हूँ वो है अनरियल इंजिन, यूनिटी एंड गोडॉट। हाँ, मैं इन तीन इंजिन को ही जानता हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं कि अनरियल में गेम कैसे बना सकते हैं। एंड हाँ, ये वही इंजिन है जो मैं पिछले दो वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ। एंड फिर से ये वही इंजिन है जो ट्रिपल ए गेम्स बनाने में यूज होता है, एग्जाम्पल के लिए टूम रेडर, द विचर एंड तुम्हारा पॉपुलर बैटल रॉयल गेम पबजी। एंड जिनको लगता है कि ये इंजिन पेड होगा तो नहीं, ये इंजिन भी बिल्कुल फ्री है, इनको स्टार्टिंग में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा गेम मार्केट में $1 million के ऊपर अर्न नहीं करता। बट अगर 1 million के ऊपर जाता है तो तुम लोगों को इनको 5% रेवेन्यू शेयर देना होगा एज रॉयल्टी फीस। बट अभी इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर की बात है। लेट्स सी कि इसमें गेम कैसे बनते हैं। सो यहाँ पे तुमको गेम बनाने के लिए कोडिंग के दो ऑप्शंस मिलते हैं, विजुअल स्क्रिप्टिंग एंड एक एक्चुअल कोडिंग। एंड इनके एक्चुअल कोडिंग में ये वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, यस C++। एंड इसी की वजह से मैंने अनरियल चूज नहीं किया था, बट इसका अल्टरनेटिव भी बहुत सही है, मतलब विजुअल स्क्रिप्टिंग, ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट्स। इसमें आप बिना कोड लिखे गेम बना सकते हो, वो भी सिर्फ नोड एक दूसरे के साथ जोड़ के। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने छुचू चार्ज देखा है तो वो पूरा गेम ब्लूप्रिंट्स के अंदर ही बना है। सो हाँ, C++ से तो ज्यादा इजी ब्लूप्रिंट्स ही है, बट C# से ज्यादा इजी नहीं बोल सकता मैं। एंड मैं पहले ही बता दूं कि अनरियल इतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस प्रोफेशनल लोगों को ज्यादा सूट होता है। एंड मुझे अनरियल की एक चीज बहुत पसंद है कि इनके मार्केट प्लेस पे ऐसे बहुत सारे हाई क्वालिटी के एसेट्स है जो तुम लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि वैभव इसमें नया क्या है, वो तो सब इंजिन को देना ही पड़ता है। एग्रीड। बट इन्होंने इतने हाई क्वालिटी के एसेट्स फ्री दे के रखे है कि तुम्हें गेम बनाने के लिए किसी चीज की नीड नहीं पड़ेगी। तुम्हें यहाँ पे प्लेयर मिल जाएगा, एनवायरमेंट मिल जाएगा, 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, एनिमेशंस मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, इवन दिमाग भी मिल जाएगा जो तुम्हारे पास है ही नहीं। बस तुम्हें थोड़ी सी कोडिंग करनी है और कुछ नहीं, विच मीन्स ब्लू प्रिंट्स। नाउ लेट्स सी कि अभी यूनिटी में गेम कैसे बनते हैं। एंड जिनको पता नहीं है कि मैं गेम कहाँ बनाता हूँ तो लाना थे तुम पे, मैं हजार बार यूनिटी में बोलता हूँ हेलो गाइस, अभी मैं यूनिटी में नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, हेलो गाइस, अभी मैं यूनिटी में गेम बना रहा हूँ, हेलो फूल्स, अभी मैं प्लेयर की ऐसी क्रेजी कर रहा हूँ, तो चले जाओ। ओह गॉड। जिनको अगर ये समझ में नहीं आता तो सुनो बे, जो मेरे पीछे बड़े अक्षरों में लिखा है ना वो तेरे जैसों के लिए ही लिखा है, शेमले लोग। तो मैं फिर से बताता हूँ कि मैं गेम यूनिटी के अंदर ही बनाता हूँ। एंड अगर तुम यूनिटी रेवेन्यू शेयर देखोगे तो यूनिटी कोई रॉयल्टी फीस चार्ज नहीं करता, बट अगर तुम्हारा गेम $100K से ज्यादा अर्न करता है तो तुम लोगों को यूनिटी का यूनिटी प्रो लेना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें हर महीने पैसे देने पड़ेंगे जबरदस्ती, मतलब अर्निंग से ही कट जाएंगे। बट ये भी बात की बात है, बाकी यूनिटी बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, इवन यूनिटी के खुद के ट्यूटोरियल से न्यू यूजर्स को गेम बनाना सिखाने के लिए। एंड यूनिटी के पास भी कोडिंग के लिए दो ऑप्शन है, एक असली वाली कोडिंग, दूसरी विजुअल स्क्रिप्टिंग यानी बोल्ट। एंड यहाँ पे गेम की कोडिंग के लिए हम C# लैंग्वेज यूज करते हैं जो की बहुत इजी लैंग्वेज है सीखने में, एंड ये गेम डेवलपमेंट में काफी पॉपुलर लैंग्वेज भी है। एंड इनका डॉक्यूमेंटेशन भी इजी टू लर्न है जिससे तुम लोग अच्छे से इंजिन सीख सकते हो। एंड इनका खुद का एसेट स्टोर भी है जहाँ पे तुम्हें गेम के बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे, फ्री एंड पेड दोनों। हाँ, पेड वाले एसेट्स ही बहुत ज्यादा है, बट कोई नहीं, सह लेंगे। एंड इनके सेकंड कोडिंग ऑप्शन के लिए तुम लोग इनकी विजुअल स्क्रिप्टिंग यानी बोल्ड भी यूज कर सकते हो, ये भी अनरियल के ब्लूप्रिंट्स की तरह है बट थोड़ा सा बगी। मैंने अभी तक ऐसा कोई पॉपुलर गेम नहीं देखा जो बोल्ड में बना हो, सो मैं तुम्हें तो रिकमेंड नहीं करने वाला कि बोल्ड यूज करो, बट इट्स योर चॉइस। बट हाँ, यूनिटी इज गुड फॉर मेकिंग 2D एंड 3D गेम्स। अभी एक ही इंजन बचा है, गोडॉट। लेट्स सी कि गोडॉट क्या है। देखो, गोडॉट बेसिकली एक 2D गेम इंजन है, एंड ये इंजन पूरा ओपन सोर्स है, मतलब तुम इस इंजन से कितने भी पैसे कमाओ, जाओ सभी तुम्हारे। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। एंड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइक C#, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड और भी सारे लैंग्वेजेस जो शायद मेरे को पता नहीं है। एंड इन्होंने 3D वर्कस्पेस भी इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया है जिससे तुम लोग 3D गेम्स भी बना सकते हो।
हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग इसको अभी से यूज करो, क्योंकि ये अभी तक इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। मतलब अभी भी ये थोड़ा डेवलपिंग फेज में है, सो मे भी तुमको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इनका डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट यूनिटी एंड अनरियल से बहुत ज्यादा अच्छा है, सो इट्स नॉइस। सो मैंने सारे इंजिन तो एक्सप्लेन कर दिए है, नाउ लेट्स सी कि तुम्हारे लिए बेस्ट इंजिन कौन सा होगा। देखो अगर तुम कंप्लीट बिगिनर हो एंड तुम्हें कोडिंग का हेलो वर्ल्ड एंड बाय वर्ल्ड भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें यूनिटी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे सी शार्प यूज करके जल्दी से गेम बनाना सीख सकते हो। एंड यूनिटी का यूजर इंटरफेस काफी बिगिनर फ्रेंडली है, सो तुम्हारी लर्निंग स्पीड और बढ़ जाएगी। एंड मैं भी यूनिटी में गेम बनाता हूँ, तो मैं थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि तुम लोग मेरे जैसे गेम बनाना कैसे सीख सकते हो। बट अभी के लिए अगर तुम कोडिंग के साथ गेम बनाना चाहते हो फ्रॉम जीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग, तो मैं यूनिटी सजेस्ट करूंगा। एंड यूनिटी में तुम लोग 2D एंड 3D दोनों गेम्स बना सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी बाकी जो इंजिन से उस पे ये बहुत अफेक्ट करेगा। सो अगर तुम लोग मेरे से भी ज्यादा आलसी हो एंड चाहते हो कि कोडिंग ना करना पड़े, तो तुम लोग अनरियल इंजिन चूज कर सकते हो विथ ब्लू प्रिंट्स। बट हाँ, इससे तुम 3D गेम्स ही बना पाओगे, क्योंकि इनका 2D इंजिन बहुत बेकार है। बट अगर तुम सिर्फ 2D गेम बनाना चाहते हो, तो मैं यूनिटी एंड गोडॉट दोनों रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोनों इंजिन बहुत अच्छे है इस बारे में। एंड मैं पहले बता दूं, ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं यूनिटी इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे 2D एंड 3D गेम्स दोनों ट्राई कर सकते हो। इसमें सी शार्प यूज होता है, तो वो सीखना बहुत ईजी है। अगर ये लैंग्वेज तुम सीख गए, तो बाकी लैंग्वेज भी सीखना बहुत आसान है, लाइक C++ जो सी के अंदर ही आता है, एंड सी शार्प भी सी के अंदर ही आता है। अगर तुम्हें सी नहीं पता, तो सी भी एक लैंग्वेज ही है, एंड सी शार्प एंड C++ उसके अंदर के ही लैंग्वेजेस है। एंड अगर तुम अनरियल एंड गोडॉट यूज करना चाहते हो, तो तुम लोग यूनिटी से भी स्विच कर सकते हो। एंड तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो स्विच भी आसानी से हो जाएगा। इट्स अप टू यू गाइज, अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, मैं बस इजी वे बता रहा हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यूनिटी एंड अनरियल के ऑलमोस्ट सेम ही है। तुम्हें यहाँ पे मिनिमम 8GB रैम रिक्वायर्ड है, और ज्यादा है तो और भी अच्छा। एंड तुम दोनों सॉफ्टवेयर 4GB रैम पर भी रन कर सकते हो, बट क्रैशेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2GB पे तो ट्राई भी मत करना, पता है ना, ब्लास्ट हो जाएगा। जस्ट किडिंग, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 एंड प्लस चल जाएगा। एंड मेक श्योर कि तुम्हारे सीपीयू के थ्रेड 6 से ज्यादा हो, एंड इनके हिसाब से तुम्हारे जीपीयू की वी रैम एटलीस्ट 6GB होनी चाहिए। एंड अगर और भी डिटेल में जानना है, तो मैंने इन दोनों के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड गोडॉट के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत लो है यहाँ पे, इसमें तुम लोग 4GB रैम पे भी गेम बना सकते हो, विच इज नाइस। एंड इसके बाकी के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थोड़े अनरियल एंड यूनिट से मैच करते हैं, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई मोबाइल, हाँ मोबाइल भी आता हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ। अभी हार्डवेयर का तो हो गया है, अभी बात करते हैं कि गेम बनाना कैसे सीखे। देखो यहाँ पे अनरियल इंजिन एंड गोडॉट का मुझे प्रॉपर आइडिया है नहीं कि तुम किससे अच्छा सीख पाओगे, पर मैंने डिस्कॉर्ड पे इसके बिगिनर गाइड शेयर किए हैं, यहाँ से तुम लोग इनके ट्यूटोरियल्स फॉलो करके गेम बनाना सीख सकते हो। एंड तुम में से बहुत लोगों को लगता है कि गेम ऐसे बनता है, ये चल अगर मैं ए दबाएगा तो आगे जाने का, अगर मैं एस दबाएगा तो साइड में जाने का, अगर मैं डी दबाएगा तो दक्षिण जाने का, अगर मैं डब्ल्यू दबाएगा तो फाइल में। नो फूल नो ऑफेंस। सो एक प्रॉपर गेम बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होगी चार चीजें, गेम डिजाइन, प्रोग्रामिंग, गेम इंजिन एंड आर्ट। गेम डिजाइन को हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये गेम बनाते बनाते तुम लोग टाइम टू टाइम सीख जाओगे। यहाँ पे बेसिकली वही होता है कि गेम में क्या क्या कैसे कैसे वर्क करेगा, अभी इसे इग्नोर कर दो, क्योंकि एज अ बिगिनर मैंने भी किया था। एंड हम आर्ट को भी साइड में कर देते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में देखेंगे। तो अभी बचता है गेम इंजिन एंड प्रोग्रामिंग, तो अभी बात करते हैं यूनिटी की। एंड टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं तुमको खुद से गेम बनाना नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा तुम्हें सिखाने में, क्योंकि एज यू नो मुझे अदर प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। बट मैंने जहाँ से सीखा है, वहाँ से तुम भी सीख सकते हो, एंड वो है ब्रैकीज। इस चैनल से तुम लोग आधे से ज्यादा गेम डेवलपमेंट सीख जाओगे। एंड एज अ बिगिनर मैंने ब्रैकीज की ये वाली सीरीज पूरी फॉलो की थी, जिससे मैं गेम डेवलपमेंट सीख पाया। एंड मैं भी तुम्हें ये सीरीज देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, बहुत सही सीखा था ये आदमी। हाँ अभी चैनल डेढ़ है इसका, बट तुम लोगों के लिए काफी है। एंड मैंने इसके इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स के लिंक अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे दी है, वहाँ से तुम लोग सीख सकते हो फ्रॉम जीरो कोडिंग नॉलेज। एंड हाँ मैंने गेम सीखने के लिए अभी तक कोई पेड कोर्स नहीं किया है, क्योंकि सभी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो भी फ्री में। एंड मैं भी तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्टार्टिंग में पेड कोर्सेस ले लो, क्योंकि बहुत लोग आधे में ही पुल आउट कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स मत करो, कोर्स करो, वो भी एडवांस कोर्स करो, बट यूनिटी सीखने के बाद। एंड आई थिंक ये भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एडवांस ट्यूटोरियल्स के कोर्सेस अवेलेबल है। एंड मैंने तुम्हारे लिए एक ट्यूटोरियल्स का चैनल भी ओपन किया है, जहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि एडवांस ट्यूटोरियल्स बना के मैं तुमको सिखा पाऊँ। एंड हाँ, इंटरनेट से तुम सिर्फ 50% गेम बनाना सीख सकते हो, 50% तुम्हें खुद से सीखना होगा, भले ही पेड कोर्सेस ही क्यों ना ले लो। नाउ आर्ट, इसमें बेसिकली 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स एंड ऑडियो आता है। एंड ये स्टार्टिंग में सीखने की कोई जरूरत नहीं है,
है, ये बाद में भी सीख सकते हो। एंड इसको डॉज करने के लिए तुम लोग स्टार्टिंग में बाहर की रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, लाइक ऐसे स्टोर पे बहुत कुछ मिल जाता है। एंड इससे तुम्हारी लर्निंग भी बहुत फास्ट हो जाएगी। एंड मैंने ब्लेंडर एंड फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स भी डिस्कॉर्ड पे दे दिए हैं, वहाँ से तुम लोग ये भी सीख सकते हो। ब्लेंडर बेसिकली 3D मॉडलिंग के लिए काम आता है एंड फोटोशॉप 2D एंड टेक्सचर्स के लिए। मोबाइल गेम डेवलपमेंट, देखो टू बी ऑनेस्ट तुम लोग मोबाइल में एक प्रॉपर गेम नहीं बना सकते क्योंकि अभी प्रैक्टिकली नहीं है बे, साले तेरा डिवाइस फट जाएगा। बट अगर फिर भी तुम ट्राई करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में मैजिक इंजन नाम से एक एप्लीकेशन है, वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो लर्निंग पर्पस के लिए। एंड डिस्कॉर्ड पे हमारे पास ऑलरेडी थोड़ी सी गेम डेवलपमेंट की कम्युनिटी है, अगर तुमको गेम बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई ना कोई आके हेल्प कर देगा तुम्हारी। और अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं ही कर दूंगा। एंड मेन चीज, अगर तुम्हें प्रॉपर गेम कैसे बनता है उसका लॉजिक चाहिए तो डायलॉग्स देखना चालू कर दो। मैं भी डायलॉग्स डालता हूँ पर वो बहुत छोटे होते हैं, बट मैं नेक्स्ट मल्टीप्लेयर गेम बना रहा हूँ तो मैं उसके भी प्रॉपर डायलॉग्स बनाना चालू कर दूंगा, जिससे तुम भी बहुत कुछ सीख पाओगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं भी पता नहीं कि कुछ चीजें मैंने मिस की हो तो बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग कैसे स्टार्ट करोगे गेम बनाना। एंड बाय।